Master Gaurav Kumar ji is here to present the seminar on the cardiac cycle. So, first of all, एक नॉर्मल हार्ट में चैम्बर सीखने होते हैं, फोर चैम्बर होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो एट्रिया होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं विद हेल्प ऑफ इंटर एट्रियल सिस्टम, एट्रियल सिस्टम होते हैं एट्रिया सेपरेटेड विद हेल्प ऑफ द एट्रियल वेंट्रिकल सिस्टम। एक एट्रिया दूसरे वेंट्रिकल्स में घूमता है विद हेल्प ऑफ द वॉल्स। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राई स्पीड बॉक्स होते हैं और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में बाई स्पीड बॉक्स होते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल से विद हेल्प ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सिस्टेमिक आर्टरी ये फिर से बॉडी में जाता है। अब हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। आखिर कार्डियक साइकिल होता क्या है? कार्डियक साइकिल एक जैसे इवेंट है जो कि हार्ट बीट होता है, एक हार्ट बीट के जनरेशन और दूसरे के बिगनिंग के बीच का जो इवेंट होता है हार्ट में वो हम देखने जा रहे हैं। आखिर होता क्या है? इस एक इवेंट्स के बीच में प्रेशर में क्या चेंज आता है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड में क्या चेंज आता है, ये सारे हमारे कार्डियक साइकिल के बीच में आते हैं। जैसा हम जानते हैं कि नॉर्मली हमारा हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट की हार्ट रेट से बीट करता है। अगर हम लोग देखें कि एक हार्ट बीट में कितना सेकंड लगता है तो वो होगा 0.1 सेकंड। नॉर्मल वे में देखें तो 60 से लेकर 100 तक हमारा हार्ट बीट हो सकता है। अगर 0.8 सेकंड का एक बीट है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे हर सेकंड में वो हम लोग देखने जा रहे हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। अगर हम लोग देखें एट्रियल का सिस्टॉल तो 0.1 सेकंड की होता है, वेंट्रिकल का सिस्टॉल मींस द वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर की होगा।